सतनाम सतनाम करता पुरख करता पुरख निर्भो निर्भो निर्वैर निर्वैर अकाल मूरत अकाल मूरत अजूनी सैभं अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो सी 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 भी सच तुमरे काज सवारे सात गुर तुमरे काज सवारे तुमरे काज सवारे सतगुर तुमरे काज सवारे सतगुर तुमरे काज सवारे सवारे सतगुर तुमरे काज सवारे सतगुर तुमरे काज सवारे थिर करवे सो हर जन प्यारे सतगुर तुमरे काज सवारे थिर करवे सो हर जन प्यारे सतगुर तुमरे काज सवारे तुमरे काज सवारे सतगुर तुमरे काज सवारे सतगुर तुमरे काज सवारे दूत परमेश्वर मारे जन की पैज रखी करता रे दुष्ट दूत परमेश्वर मारे जन की पैज रखी करता रे तुमरे काज सवारे सतगुर तुमरे काज सवारे सतगुर
सवारे तुमरे काज सवारे सतगुर तुमरे काज सवारे सतगुर तुमरे काज सवारे बादशाह शासन वस कर दीने अमृत नाम मारस पीने बादशाह शासन वस कर दीने अमृत नाम मारस पीने तुमरे काज सवारे तुमरे काज सवारे तुमरे काज सवारे सतगुर तुमरे काज सवारे सतगुर तुमरे काज सवारे संगत मिल कीनो दान निरपोए पजो भगवान साध संगत मिल कीनो दान तुमरे काज सवारे तुमरे काज सवारे तुमरे काज सवारे सतगुर तुमरे काज सवारे मन मेरे आलसा मन मेरे आलसा मन मेरे आलसा धन गुरु नानक
वंज मेरे आलिसा हर पास बेनंती हे गुरु नानक हे निरंकार हे एक ओंकार तरस कर मेरा आलस दूर कर दे मेरी तेरे चरणों में अरदास है बेनती है पुकार है मेरा आलस दूर कर दे प्यार से बोलिए धन गुरु नानक ताकि मैं सत्संगत में बैठकर तेरा नाम जप सकूं तेरे संतों की संगत में बैठकर नाम जप सकूं तुझे प्रेम कर सकूं तुझे पा सकूं प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक कल हमने यहाँ तक समझा था वाणी द्वारा गुरु साहिब जी ने हमें समझाया था कि संतों ने रास्ता बताया है कि उन्होंने कैसे पाया उन्होंने पाया सत्संगत में आकर प्यार से बोलिए धन गुरु नानक उद्दम पाया संगत में आकर और अपने आलस को गवा लिया खत्म कर दिया अपने आलस को मार दिया जीत लिया मन को प्यार से बोलिए धन गुरु नानक गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं श्रवण कीजिए संत संग मिल हर हर जपिया संत संग मिल हर हर जपिया बिन से आलस रोगा जियो बिन से आलस रोगा जियो प्यार से बोलिए धन गुरु नानक यहाँ पर आलस को रोग कहा है रोग की गिनती में आया है आलस प्यार से बोलिए धन गुरु नानक गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं संत संग मिल हर हर जपया संतों के साथ बैठकर मैंने नाम जपा सतसंगत में बैठकर नाम जपा उससे क्या हुआ बिन से आलस रोगा जियो मेरा आलस का रोग खत्म हो गया प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक अकेले बैठकर नाम जपना है जरूर जपना है सत्संग का लाभ ही यही है कि मन करे मैं अकेले बैठकर नाम जपूं पर केवल अकेले बैठकर नाम नहीं जपना है बाबा आनंद सिंह जी के वचन चाहे सिख के रोम रोम में वाहिगुरु सिमरन शुरू हो जाए रोम रोम में सत्संगत फिर भी जरूरी है प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कितना अहम पॉइंट है कि सत्संगत में आकर ही मेरा आलस खत्म हुआ प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक वाणी में बार 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 उद्यम करने को कहा है हिम्मत कर उठ चल बैठ मत जा प्यार से बोलिए धन गुरु नानक श्रवण कीजिए ये भी गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी कह रहे हैं उद्यम कर हर जपना उद्यम कर हर जपना वड पागी तन खाट संत संग हर सिमरना मल जन्म जन्म की काटे मल जन्म जन्म की काट प्यार से बोलिए धन गुरु नानक उद्यम कर हर जपना जपने के लिए उद्यम कर प्यार से बोलिए धन गुरु नानक हिम्मत कर उठ संत संग हर सिमरना और सिमरन कर संतों के संगत में बैठकर प्यार से बोलिए धन गुरु नानक उद्यम किस बात का कर सत्संगत के लिए संगत के लिए संतों की संगत के लिए मल जन्म जन्म की काट जन्मों जन्म के पाप तेरे मिट जाएंगे प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक इस संसार में कई प्रकार के उद्यम हैं आदमी दुकान पर जाने के लिए भी उद्यम करता है काम पर जाने के लिए भी उद्यम करते हैं करना पड़ता है मजबूरी प्यार से बोलिए धन गुरु नानक कई प्रकार के उद्यम करता है मन नहीं करता बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है जाना पड़ेगा प्यार से बोलिए धन गुरु नानक लेने नहीं जाने का मन कर रहा है लेने जाना पड़ेगा 50 काम ऐसे हैं दुनिया में जो हम करते हैं मन मार के पर पाचा कहते हैं सारे उद्यमों में से सबसे उत्तम उद्यम कौन सा है श्रवण कीजिए
सगल उद्यम में उद्यम भला हर का नाम जपो जी सदा हर का नाम जपो जी सदा घर से बोलिए धन गुरु सारे उद्यम अच्छे हैं पर सबसे उत्तम उद्यम है नाम जपने के लिए उद्यम करना है प्यार से बोलिए धन गुरु नानक पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जन जी गुरु अर्जन देव जी महाराज वाणी में इसे प्रमाणित कर रहे हैं कह रहे हैं कि सारे उद्यमों से उत्तम उद्यम है नाम जपने के लिए जो उद्यम करता है प्यार से बोलिए धन गुरु नानक गुर सत गुर का जो सिख अखाए सो पालके उठ हर नाम ते आए उद्यम करे पालके प्रभाते उद्यम करना पड़ता है हिम्मत करनी पड़ती है उद्यम करे पालके प्रभाती स्नान करे स्नान करने के लिए भी उद्यम करना पड़ता है कल हमने सुना था प्यार से बोलिए धन गुरु नानक आलस आता है रहने देते हैं नहीं उद्यम करे पालके प्रभाती स्नान करे अमृत सर नावे प्यार से बोलिए धन गुरु नानक यहाँ पर दो प्रकार के स्नानों की बात है एक मन के सरोवर की नाम के सरोवर की और एक बाहर के स्नान की प्यार से बोलिए धन गुरु नानक दोनों के लिए उद्यम जरूरी है प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक इतिहास बोल लो सात संगत जी किसी भी धर्म का कोई भी संत होगा महापुरुष होगा उद्यमी होगा उसी वक्त उठकर चलने वाला होगा प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक दास तो ऐसे ही संतों महापुरुषों की संगत मिली है कि मिलिट्री की तरह तैयार रहना पड़ता था मिलिट्री में कैसे होते आपको पता है एक सायरन बजता है एक मिनट में आपको वहाँ हाजिर होना होता है हमेशा रेडी रहना पड़ता है तैयार मतलब ऐसे नहीं कहा जाता था हमें कि महापुरुष जाने वाले आ जाओ आपको ध्यान रखना पड़ेगा गाड़ी जा रही है भागो प्यार से बोलिए धन गुरु नानक एक दो बार तो ऐसे हुआ मेरे साथ जंगल में कहीं गए हैं और बैठ गए हैं समाधि में महापुरुष तो मैं भी अपना जाके किधर बैठ गया प्यार से बोलिए धन गुरु नानक और मैं सो गया आंख लग गई क्योंकि नींद कम मिलती थी तो मैं सो गया उठा तो है ही नहीं चले गए एक बार मुझे बुलाया भी नहीं पूछा भी नहीं और फिर मैं पूरा रास्ता कितने किलोमीटर चल के आया प्यार से बोलिए धन गुरु नानक उसके बाद तो मैं गाड़ी को टेक लगा के आराम करता था गाड़ी हिलेगी तो पता चल जाएगा प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक पर पगड़ी बांध के ही रखो उतार ही नहीं सकते आराम करने के लिए मीन्स कहने का मतलब ये है महापुरुषों के साथ अगर रहना है तो उद्यमी आदमी ही रह सकता है आलसी आदमी तो दो दिन में भाग जाएगा प्यार से बोलिए धन गुरु नानक और हम उनके दास गुरु साहब जी की हजूरी में कह रहे हो उनका 5% भी नहीं है वो जो उद्यम करते हैं जो दास ने देखा है अपनी आँखों से थकावट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है आराम नाम का शब्द है ही नहीं जीवन में कि आराम होता क्या है हैरानी होती हैरानी कि ऐसे कैसे और आप जीवन पढ़ लो संत अत्तर सिंह जी मस्तुआने वालों का बाबा आनंद सिंह जी का जीवन पढ़ लो हर पक्ष में हर पॉइंट में उद्यम दिखाई देगा प्यार से बोलिए धन गुरु नानक नींद ना के बराबर खाना ना के बराबर सिर्फ नाम जपना और नाम जपाना प्यार से बोलिए धन गुरु नानक उद्यम हमेशा यही सोचते रहना संगत को कैसे जोड़ना है कैसे नाम से जोड़ना है कैसे किसी का भला करना है एक ही विचार मन में घूमता रहता है उसकी प्लानिंग चलती रहती है एक प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ खत्म होने से पहले दूसरे की तैयारी शुरू हो जाती है प्यार से बोलिए धन गुरु नानक आराम नहीं एक रात का भी है संत बाबा सुखदेव सिंह जी को देख लीजिए दास उनके साथ रहा है दास ने पहले भी एक घटना सुनाई थी उनका एक्सीडेंट हुआ दिल्ली के हॉस्पिटल में आईसीयू में है दास अंदर सेवा में है उनके पास आईसीयू में दांत टूट गए पूरा एक भी दांत नहीं मुंह में बचा मुंह सूज कर एकदम बड़ा हो गया है सारी हड्डियां टूट गई हैं फौरन से डॉक्टर आए इलाज करने के लिए और एक्सीडेंट की पहली रात 5-6 दिन बाद की बात नहीं कर रहा जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन की पहली रात दास अंदर आईसीयू में है तकरीबन रात के मेरे ख्याल से 1-2 के बीच का समय तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं इस वक्त पाइपें लगी हुई हैं सब कुछ लगा हुआ है आईसीयू में आप समझते हैं उठकर बैठ गई नर्स आई डॉक्टर आए लटाने लगे इशारा किया नहीं मुझे इशारा करके पास में बुलाया ऐसे इशारा करने लगे मुझे समझ में ना आए फिर वापस इशारा किया मैं समझ गया वो कह रहे थे नैपकिन भिगो कर ला नैपकिन एक
पानी का नैपकिन गीला करके लाया, उन्होंने हाथों से हल्का सा हाथ को, हल्का पाँव को, हल्का सा मुँह खोल गया, पाँच स्नान, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, और बैठ गए नित नेम में। आईसीयू में पूरी हड्डियां टूटी हुई हैं, दांत पूरे टूट गए, कितना दर्द होता है सत्संग जब एहसास करो। उस वक्त वो उठकर बैठ गए हैं नितनेम करने, इसे कहते हैं उद्यम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और गुरु इकबाल सिंह जी देख लीजिए, कौन नहीं जानता उन्हें, दास कुछ समय उनके साथ भी रहा है और उनको बहुत करीब से देखा है, जाना है, समझा है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है महापुरुषों के जीवन को देखूं कि वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं। आराम नाम की उनके जीवन में कोई चीज़ नहीं, आलस कहाँ है दिखाई ही नहीं देगा आपको। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन्य है ऐसे महापुरुष, मैं तो उन लोगों का नाम लेना जिन्हें मैं जानता हूँ, ऐसे गुरु नानक के कई प्यारे होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो हैं तो सृष्टि चल रही है। ये बातें क्यों बताई जा रही, आलस खत्म हो जाए। बाबा अनंत सिंह जी के वचन हैं बड़े कीमती, कि किस्मत सब कुछ नहीं, अकेले किस्मत सब कुछ नहीं, उद्यम भी जरूरी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर इस बात को ध्यान से समझे, गहराई से विचारे, तो मतलब ये निकलता है कि उद्यमी अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आलसी आदमी अपनी किस्मत का भी गवा लेता है, किस्मत में है तो भी गवा लेगा आलसी है तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उद्यमी है, किस्मत में नहीं है तो लिख लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसलिए तो गुरु नानक पाशा के वचन लिखे हैं जन्म साखी में, अगर यहाँ पे किस्मत में लिखा है रोगों से मरना है, तड़प तड़प के मरना है, कुछ गलत लिखा है, गरीबी में सारा जीवन गुजारना है, पर अगर वो इंसान उद्यम करके अमृत वेला संभाल ले, किसी प्रकार अमृत वेला संभाल ले, कहते थे गुरु नानक को, निरंकार को उसके लेख बदलने पड़ जाते हैं। गरीबी जो जन्मों की है, दिनों में घंटों में उसकी मर्जी हो, उसकी नज़र हो जाए सेकंडों में काट दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर उद्यम की स्नान करे अमृतसर नाम है, उद्यम करे पल के बर्बाते, जो उद्यम करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आओ फिर से गुरु को पुकार करे, पाचा तरस कर, ये जो दात महापुरुषों को बख्शी है हमें भी बख्श दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हर पास बिन हर पास बिन बड़ी प्यारी ऐतिहासिक घटना है गुरु अंगद देव जी के समय की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसमें यह ज्ञान मिलता है जो दास ने कहा है ना, किस्मत में है पर अगर आलसी है सब गवा लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतना सुनहरा मौका हाथ में हो, खुद निरंकार सामने बैठा हो तो भी हाथ खाली रह जाते हैं अगर आलसी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु अंगद देव जी खडूर साहब में विराजमान है, बहुत सारी संगतें दिन रात सेवा करती है, सिमरन का प्रवाह चलता है, कीर्तन होता है और दिन में दो टाइम लंगर भी होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उस लंगर में खीर भी बनती है,
और वो खीर बहुत मशहूर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पुराने ज़माने में ना इतनी सारी मिठाइयाँ नहीं होती थी जैसे आज हैं, दो चार मिठाइयाँ ही मशहूर होती थी, कड़ा प्रसाद, खीर, ये सब लंगर में होता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो बहुत सारी संगत वहाँ पर सेवा सिमरन करने के, गुरुसाहिब जी के दर्शन प्राप्त करती थी, कथा कीर्तन श्रवण करती थी। और जो सेवादार होते थे, जो सेवा वहाँ पर रहकर करते थे, उनको कोठरियाँ दी जाती थी, भाव कमरे दी जाते, छोटी छोटी कोठरियाँ बनी होती थी वहाँ पे, उनको रहने के लिए एक एक कोठरी दी जाती थी, क्योंकि दिन रात सेवा करनी है जिन्होंने। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। उन मेहनती उद्यमी सेवादारों में एक आलसी सिख आ गया। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, जो केवल खीर के लालच में, लंगर के लालच में आ गया कि काम कोई करना नहीं पड़ेगा, खाना खाओ, कोठरी ले लो, सेवादार बन के रहेंगे, किसी को पता तो चलेगा नहीं, भीड़ इतनी ज़्यादा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमारे जैसा था कोई चला गया, लंगर खाया, आनंद आ गया, कमरा ले लिया, मैं सेवा करूँगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमारे पास भी कई आते हैं, पता है ना, कमरे हम बेटा नहीं लेते, हमने जो कमरे धर्मशाला बनाई है, संगत नहीं बनाई है, तो हमने कोई बेटा नहीं रखी, बेटा हमारी एक ही है कि अमृत वेले उठ के आ जाओ, कोई बेटा नहीं, डिपॉजिट लेते हैं 2000 रुपये, पर अगर तुम्हें अमृत वेले उठ के आ जाते हैं तो जाने के टाइम वापस दे देते हैं, नहीं आता तो काट लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो आदमी आ ही जाता है, पर पहले जिन्हें नहीं पता होता ना, वो आराम से आके सो जाते। कई लोग आते हैं बिजनेस के सिलसिले में, कहते हैं अमृत वेले के लिए आए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई लोग बॉम्बे घूमने आते हैं, कहते हैं अमृत वेले के लिए आए हैं, पर जब हमें पता चलता है तुम 2000 काट लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, और हाथ जोड़ते हैं भाई जाओ। तो जब 2000 कटते हैं ना, तो अगले दिन वो आ जाते हैं कि 2000 बचा लें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, यही हमारा मकसद है, 2000 भले बच जाए उसके, पर शायद अमृत वेला बन जाए एक दिन आ जाए तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जयकारा बुलाओ तो सबको पता चले। वो खीर खाना सिख जो खीर खाने के लिए आया था, जब लंगर खाया, आनंद आ गया, कोठरी ले ली, रहने लगा, बहुत समय जब बीत गया ना, तकरीबन 2-3 हफ्ते बीत गए, भोजन खाने का टाइम आ जाए और कमरे से बाहर ही ना निकले, सिर्फ सोया रहे, संगत का ध्यान चला गया। जो दूसरे सेवादार थे उन्होंने बाबा बुड्ढा जी को शिकायत कर दी, ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुड्ढा जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और शिकायत किस तरह से की, देखिए कितनी कितनी प्यारी बात लिखी हुई है घटना में। शिकायत इस प्रकार नहीं की कि इसे निकाल दो, ये ऐसा है, कहने की बाबा बुड्ढा जी इस बेचारे का भला कैसे होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे कैसे सीखते उस ज़माने में, आज तो चुगलियाँ लगाने के वक्त कितने मसाले लगाते हैं हम, और यहाँ पर उसका भला सोचा जा रहा है कि बाबा बुड्ढा जी उस सिख का भला कैसे होगा, वो सिर्फ लंगर खाता है और सो जाता है, कोई सेवा नहीं करता, उस पर वजन चढ़ रहा है, उसका नुकसान हो रहा है, कुछ करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा बुड्ढा जी ने उसे अपने पास बुलाया और समझाया, और क्या समझाया, वो पंक्तियाँ कवि भाई संतोख सिंह जी ने गुरुप्रताप सूरज ग्रंथ में लिखी है, श्रवण कीजिए। गुर संगत में भलो रहावन, भजन टहल कर काल बिहावन, बैठे दे काज किस आए, है ना कोई मृत जब पा। से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा बुड्ढा जी ने समझाया, संगत में आया है तो रहने का ढंग सुन ले, कैसे रहते हैं, भजन टहल कर काल बिहावन, काल का है समय को, समय को बिताना है तो भजन कर और सेवा कर, सिमरन कर और सेवा कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बैठे दे काज किस आए, अगर बैठे रहे सोए रहे तो किस कारण आए संगत में, इस संसार में ही क्यों आए। गुरु अंगद देव जी समझा रहे हैं उसे, छुहे न कोई मृत जप आए, जब मर जाएगा तब कोई हिलाएगा तब भी नहीं हिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब हिल ले, कुछ कर ले, अपने कर्म बना ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर उस आलसी सिख ने क्या जवाब दिया पता है,
आंखें मलते हुए बाहर आया था नींद से, कहने लगा मैं गुरु का सिख हूँ, गुरु अंगद देव जी का। प्यार से बोलिया धन गुरु नानक, मैं उनके वचन मानूंगा, वो सेवा देंगे तो करूँगा, आपके कहने पर नहीं करूँगा। प्यार से बोलिया धन गुरु नानक, बहाना बना दिया। बाबा बुड्ढा जी उसे देख के मुस्कुराए, तरस आया उस पर, छोड़ दिया, कहने के रहने दो इसे, इसके कोई बुरे कर्म आ गए हैं जो ये ज्ञान नहीं ले पा रहा। प्यार से बोलिया धन गुरु नानक। इतिहास में लिखा है 6 महीने बीत गए इसे, लंगर खा रहा है सुबह शाम, कमरे में सोया रहता है, खाते वक्त आ जाता है, जैसे ही लंगर का शुरू होता है ना, तो लंगर जब परोसा जाता है उसके पहले सारे सिख शब्द पढ़ा करते थे। प्यार से बोलिया धन गुरु नानक, ये मर्यादाएँ हैं कुछ लंगर की, शब्द पढ़े जाते हैं, सब बैठे होते हैं पंगत में, शब्द पढ़ने के बाद अरदास होती है, फिर लंगर बताया जाता है, फिर अरदास होती है, फिर खाया जाता है। प्यार से बोलिया धन गुरु नानक, छोटी छोटी अरदास होती है। काम क्रोध और लोभ मोह बिनस जाए, अहमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव, ये प्रसाद बना दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो जैसे ही आवाज़ें उसके कान में आती थी, ये उठ के बाहर आ जाता था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 6 महीने बाद ऐसा समय आ गया कि गुरु अंगद देव जी इसकी कोठड़ी के सामने आके बैठ गए, और ये सारी संगत भी साथ में आके बैठ गई। शब्द पढ़ने शुरू हुए तो ये आंखें मलता हुआ बाहर आया। प्यार से बोलिया धन गुरु नानक। गुरु साहब जी ने इसे देखा, अंतर्जामी तो सब जानते ही पर बताते नहीं ना। प्यार से बोलिया धन गुरु नानक। कह लगे भाई तुम्हें कभी देखा नहीं, कौन सी सेवा करते हो। प्यार से बोलिया धन गुरु नानक। इसने आके चरणों में माथा टेका, कहने लगा आपने कोई सेवा दी ही नहीं, इसलिए मैंने कोई सेवा की नहीं। प्यार से बोलिया धन गुरु नानक। सिखों ने मुझे कहा था, पर मैंने कहा नहीं, मैं गुरु साहब जी का सिख हूँ, तुम्हारा नहीं। प्यार से बोलिया धन गुरु नानक। गुरु साहब जी से बढ़ियाई कर रहा है। गुरु अंगद देव जी कहने लगे भाई मैंने तुम्हें कहा था सेवा के लिए, तुमने नहीं की। वो कहने लगे मुझे तो याद नहीं आ रहा, मैं कैसे भूल सकता हूँ, आपने कहा और मैं भूल जाऊँ। गुरु अंगद देव जी कहने लगे बाबा बुड्ढा जी ने कहा था, वो ब्रह्म ज्ञानी है, उनकी रचना पर मैं ही बैठा होता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब बाबा बुड्ढा जी ने कहा तो मैं ही कह रहा था, और तुमने मेरी बात काट दी, सेवा नहीं की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ऐसे कर्म बनाए, केवल लंगर खा रहा है, सेवा कर नहीं रहा, वजन चढ़ रहा है, पाप कमा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कहने लगा आप मुझे कोई भी सेवा दो मैं करने को तैयार हूँ, कोई भी, पर मैं और किसी की बात नहीं मानूंगा, मैं आपका सिख हूँ, आप जो हुक्म करोगे मैं करूँगा। गुरु अंगद देव जी गंभीर हो गए, कहने लगे देख सेवा का समय तो तेरे हाथ से निकल गया, क्योंकि तेरी मौत आने वाली है 8 घड़ियों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरे पास केवल 8 घड़ियाँ बाकी हैं तेरे जीवन की, अब क्या सेवा करेगा तू, ना सिमरन किया ना सेवा की, संगत में आकर भी खाली बैठा रहा अपने आलस की वजह से, अब 8 घड़ियों में तू क्या कर लेगा। अगर सच में तू कहता है कि मेरा वचन मानेगा तो वचन मान फिर, अगर वचन तूने मान लिया तो नरकों में नहीं जाएगा, उधार हो जाएगा, तेरे सारे पाप पुराने बख्श दिए जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हाथ जोड़ दे कहने का कहो मैं कहूँगा, अगर मेरी मौत आने वाली ही है तो जो आपका वचन मान के मरूँगा। तो गुरु साहिब जी ने कहा अभी जंगल में चला जा, कोई समय कम है, लकड़ियाँ तोड़ इकट्ठी कर, अपने लिए चिता बना, उस चिता में खुद आग लगा, और उस खुद चिता में अपनी चिता में आग लगा कर खुद ही जल जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर तूने वचन मान लिया, तूने सबके सामने कहा कि मैं आपके वचन मानूंगा, होशियारी मारी है तूने, जबकि वचन माना नहीं है। अब आखिरी वचन तुझे कर रहे हैं, अगर तूने ये कर लिया, मौत तो तुझे आनी ही है, पर अगर तूने वचन मानकर इस प्रकार से अपनी मृत्यु को प्राप्त किया, तेरे सारे पाप माफ, तेरी सारी गलतियाँ माफ, तो तुझे लेने जमदूत नहीं आएंगे, देवता आएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अभी हैरान हो गया, मरने के लिए कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई श्रद्धा तो थी नहीं गुरु पे, भरोसा तो था नहीं, सिर्फ नाम का सिख था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चल तो पड़ा जंगल में, और मन ही मन में दूसरे सिखों को गालियां दे रहा है कि इन्होंने मुझे फंसा दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरा आराम करना, मेरी नींद इनसे देखी नहीं गई, मेरी शिकायत लगाई है, इसलिए गुरु साहिब जी ने मुझे ये सजा दी है। फिर भी थोड़ा डरा हुआ था, चिता बनाई, लकड़ियां काटी, चिता बनाई, आग भी जला दी,
आस पास घूम रहा है, हिम्मत नहीं हो रही आग में छलांग लगाने की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, किसकी होगी। गुरु पर जिसे पूरी श्रद्धा हो, विश्वास हो, हमें कहा जाए हम भी ना लगाएं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। चक्कर काट रहा है, उसी वक्त वहां से एक डाकू गुजरा जिसका इतिहास में नाम आया है डाकू। मेरवा करके शायद नाम आया उसका। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेहरू, डाकू मेहरू करके नाम आया है। वो वहाँ पर आया, चोरी करके भागा था राजा के महल से। हाथ में गठड़ियाँ थी सोने चांदी की, अशर्फियों से भरी हुई। उसने देखा एक चिता जल रही है और एक आदमी पास में खड़ा है। चिता में कोई जल तो रहा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हैरानी हुई तो जिज्ञासा के रूप में वो रुक गया। जाग जाती है ना कि क्या हो रहा है ये। पास में आके पूछते, भाई क्या हुआ, जल तो कोई रहा नहीं चिता में, तो किसके लिए जलाई है, ये क्या कर रहे हो आसपास घूम रहे हो। तो उसने कहा कि मुझे कूद कर इसमें जलना है पर हिम्मत नहीं हो रही। कहने का, क्यों मरते हो, जिंदगी मरने के लिए थोड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहने लगी, सारी घटना सुनाई कि सिखों ने मेरा आराम देखा नहीं गया, सिखों से उन्होंने गुरु साहब जी को शिकायत लगाई। गुरु साहब जी ने वचन किए कि वचन मान ले, आखिरी वचन है कि अगर तूने चिता जला के खुद उसमें जल गया, तेरे सारे पाप माफ़, देवता लेने आएंगे तुझे। मेरू सुनकर हैरान हुआ, कहने के किसने वचन किए। कहने के गुरु अंगद देव जी महाराज, दूसरे गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो मेरू डाकू कहने लगा, उसके भाग्य जागे, समझो सात संगत जी, उसके भाग्य जागे। कहने लगे, सुन, मैं गुरु अंगद देव जी महाराज पर बहुत श्रद्धा रखता हूँ, विश्वास रखता हूँ, अगर तेरी हिम्मत नहीं हो रही तो ये वचन मुझे दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खडूर साहब की तरफ मुख करके हाथ उठा के अरदास कर दे कि ये वचन मैंने जो गुरु साहब जी ने दिया था मेरू को दिया, और सारी अशरफियाँ ले ले, तेरी पुश्ते बैठ कर खाएंगी, और मुझे ये वचन दे दे, मैं कूद कर मर जाता हूँ, मैंने जीवन में बहुत पाप कमाए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, मेरी मुक्ति हो जाए, मैं अपने पापों से डरता हूँ, मैंने बहुत पाप किए। किस्मत जागी उसकी, मेरू खुश हो गया, इतनी अशरफियाँ। वो सिख आलसी से खुश हो गया, उसने अरदास कर दी कि मैंने वचन इस मेरू डाकू को दिए, धाड़वी को। अरदास करके अशरफियाँ ले ली, और इसने एक सेकंड नहीं लगाया, जैसे इसने अरदास की इसने छलांग लगा दी आग में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, मेरू डाकू ने, धाड़वी ने, आग में बैठा है पर आग उसे जला नहीं रही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और वो क्या दृश्य देख रहा है कि पीछे सेना आई, सेना आई, इसे पकड़ा कि इसके हाथ में अशरफियाँ हैं कि तूने चोरी की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और कहा कि महाराज का हुक्म था कि जहाँ पर चोर मिल जाए अशरफियों के साथ, वही सर धड़ से अलग कर दो, और इसका सर धड़ से अलग कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अंगद देव जी ने क्या कहा था, तेरी मौत तो आ गई है, मृत्यु आ गई है, पर अगर इस प्रकार मर जाएगा तेरे सारे पाप माफ हो जाएंगे। मृत्यु उसकी आई थी, मृत्यु उसे आई भी, सैनिकों ने सर धड़ से अलग कर दिया, पर मेरे डाकू देख रहा है सेना चली गई तो आग से बाहर निकला। खडूर साहब पहुंचा गुरु अंगद देव जी के पास, सारी घटना सुनाई, माथा टेका। गुरु अंगद देव जी ने सर पे मेर भरा हाथ रखा, कहा तेरे सारे पिछले गुनाह माफ, पर जितनी भी तूने चोरी करके सामान इकट्ठा किया है सब जाके पहले बांट के आ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और गुरु अंगद देव जी महाराज ने फिर संगत से कहा, देखो गुरु सामने बैठा है, बाबा बुद्धा जी जैसे ब्रह्म ज्ञानियों के बीच में रहा है, सत्संगियों में ऐसे सिखों के बीच में रहे जिनका जीवन इतना ऊंचा सोचा है, उनके बीच में रह के भी ये सिख खाली रह गया क्योंकि आलसी था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आलस कितनी बड़ी दरिद्रता है, कितनी बड़ा रोग है, कि ये अगर रोग है इंसान गुरु के सामने, प्रत्यक्ष गुरु के सामने होके भी खाली हाथ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आलस, हमें गुरु नानक का सिख बनना है, आलसी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो घटना याद कर लिया करो, याद कर लिया करो वो घटना। गुरु नानक पाशे के पास जब कलयुग आया था, दो मिनट की बात है,
कलयुग आया और लालच देने लगा, नाम जपाना बंद करो, अमृत वेले उठाना बंद करो लोगों को, मुझे तकलीफ होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर राज मेरा है कलयुग का, आप नाम जपाते हो। गुरु नानक पाशा कहने लगे, राज तेरा है पर पहरा हमारा लगा है, क्या करें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हमें निरंकार की तरफ से हुक्म है कि नाम जपाओ संगत को, हम तो जपाएंगे। कलयुग कहने लगा, आपको क्या चाहिए? मैं हीरे जवाहरात के मंदिर, पूरा शब्द अंकित है गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी में। कलयुग कह रहा है कि हीरे जवाहरात के मंदिर बना देता हूँ, वहाँ की सड़कें सोने की होंगी, दीवारें सोने की होंगी, हीरे जवाहरात जड़े होंगे, ऐसे महल बना देता हूँ आपको, रथ बना देता हूँ, हर दुनिया की चीज़ दे देता हूँ, नाम जपाना बंद कर दो। भाई मर्दाना हैरान होकर पूछता है कलयुग गुरु नानक पातशाह से, पाचा ये कहता है हीरे मोती दे देगा, सोना दे देगा, इतना कुछ है इसके पास, तो इसने जो चादर ली हुई है अपने ऊपर, कंबल लिया हुआ है, एक शॉल टाइप ली हुई है, वो तो फटी हुई है जगह जगह से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा कहने लगे, कलयुग से खुद ही पूछ ले। भाई मर्दाना जी ने कलयुग से पूछा, हम ही कह रहे थे सोने की सड़कें, सोने का महल बना देता हूँ, हीरे जवाहरात जड़े होंगे, तेरी जो चादर तूने अपने ऊपर ली हुई है, लपेटी हुई है, वो फटी हुई है जगह जगह से, तो अपने लिए नई चादर तो ले ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कलयुग कहने लगा, ये आम चादर नहीं है, ये आलस की चादर है, आलस की। ये आलस की चादर अमृत वेले में सारे संसार पर डाल देता हूँ, ताकि कोई अमृत वेले उठ के नाम न जप सके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ये सच है, सात संगत जी दास ने पहले भी बताया था, और ये आप किसी डॉक्टर से हॉस्पिटल में पूछ सकते हो। अच्छे खासे रोगी भी जिन्हें बहुत तकलीफ होती है ना, दर्द होता है पूरी रात, 3-4 बजे के बाद, 3:30 के बाद, 2:30 के बाद उन्हें भी नींद आनी शुरू हो जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आलस इतने खतरनाक है, आलस की। कहने लगा कलयुग में सारे संसार पे आलस की चादर डाल देता हूँ, ताकि कोई उठ के नाम ना जप सके, पर ये गुरु नानक के सिख जो प्रभु को प्यार करते हैं, जो नाम जपते हैं, ये मेरी आलस की चादर फाड़ कर बाहर निकल आते हैं, इसलिए चादर फटी पड़ी है जगह जगह से। मैं तो सारी संसार की संगत से बेनती करूंगा, पूरी चादर का टुकड़े टुकड़े कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसीलिए सच्चाई है, आप एक शराब की दुकान खोलने जाओ, एक लॉटरी की दुकान खोलने जाओ, 10 सपोर्ट करने वाले आपको आ जाएंगे। आप एक ब्लैकमेलिंग का चैनल खोलने जाओ, न्यूज़ चैनल, 100 लोग आपकी सपोर्ट में आ जाएंगे। आप कोई ठेका खोल लो, आप कोई कोठा खोल लो, 100 लोग आपकी सपोर्ट में आ जाएंगे। आप एक सत्संग करने जाओ, 100 लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई नेक काम करने जाओ, रुकावटें ही रुकावटें आएंगी। वजह क्या है? ये रुकावटें आदमी नहीं डाल रहे होते, हमें दिख रहे होते हैं, पीछे होता है कलयुग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि मैं नहीं होने दूंगा ये नाम जपने का काम। पर गुरु नानक के नाम लेवा सिख जिन्हें गुरु नानक आकर जब खड़ा हो जाता है, तो कौन रोक सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसीलिए जो सत्संग होता है, अमृत वेला होता है, ये बढ़ियाई केवल और केवल गुरु नानक की और बाबा नंद सिंह जी को जाती है। वो खुद आकर खड़े होते हैं तो ये होता है। बस ये दास शॉर्ट में कह रहा है, ये 101% सच्चाई है, ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ऐसा ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु मेहर करे, गुरु मेहर करे, ये कलयुग की चादर फाड़ दें हम पूरे, सारे के सारे रोज उठो, नित उठो, नित। गुरु नानक मेहर करे, हमारा आलस दूर हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रकरण तो और भी बहुत बाकी है, पर अब समाप्ति करते हैं। गुरु मेहर करे, गुरु नानक मेहर करे, हमारा आलस दूर हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि मैंने वादा किया था 5:30 भोग डालूंगा, समय तो और भी आधा 1 घंटा लगा सकते हैं, पर बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, माता बहनों को घर जाना होता है, कुछ काम होते हैं। हाँ, थोड़े दिन बीत जाएंगे, जब एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे फिर बजाया करेंगे 6:30। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। प्रभु पास हर पास
तेरा रूप हो मेरा रंग वो जो तेरा रंग हो मेरा रूप वो
तेरा रूप हो, गर रंग हो तो तेरा रंग हो, गर रूप हो तो तेरा रूप हो, मेरा रंग हो जो तेरा रंग हो, मेरा रूप हो जो तेरा रूप हो, गर बात हो तो तेरे बात हो, गर साथ हो तो तेरा साथ हो, गर बात हो तो तेरी बात हो, गर साथ हो तो तेरा साथ हो, गर संग हो तो तेरा संग हो, गर ढंग हो तो तेरा ढंग हो, गर संग हो तो तेरा संग हो, गर ढंग हो तो तेरा ढंग हो, गर जीना हो सब कुछ दिए जा रहे हो, बिन मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो, कृपा पे कृपा तुम किए जा रहे हो, सवारा सदा भाग्य मेरा गुरु जी, सवारा सदा भाग्य मेरा गुरु जी, करूँ शुक्रिया कैसे तेरा गुरु जी, बिन मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो। कभी जब दुखों ने मुझे आके घेरा, मुझे हर कदम पर मिला साथ तेरा, कभी जब दुखों ने मुझे आके घेरा, मुझे हर कदम पर मिला साथ तेरा, भटकने दिया ना कभी तूने मुझको, सदा तूने थामे रखा हाथ मेरा, रखा हाथ मेरा, बिन मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो, कृपा पे कृपा तुम किए जा रहे हो, सवारा सदा भाग्य मेरा गुरु जी, करूँ शुक्रिया कैसे तेरा गुरु जी, बिन मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो। जमाने में इज्जत से जीना सिखाया, मुझे अपनी सेवा में तूने लगाया, जमाने में इज्जत से जीना सिखाया, मुझे क्या पता था
सही का गलत का पता तुझसे पाया, पता तुझसे पाया। बिन मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो, कृपा पे कृपा तुम किए जा रहे हो। सवारा सदा भाग्य मेरा गुरु जी, करूं शुक्रिया कैसे तेरा गुरु जी। बिन मांगे सब कुछ लिए जा रहे हो। जब आना जाना हुआ है हमें, जिंदगानी का मकसद मिला है। तेरे दर पे जब आना जाना हुआ है हमें, जिंदगानी का मकसद मिला है। जुदा अपने चरणों से करना न हमको, यही इल्तिजा है यही प्रार्थना है, यही प्रार्थना है। बिन मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो, कृपा पे कृपा तुम किए जा रहे हो। सवारा सदा भाग्य मेरा गुरु जी, करूं शुक्रिया कैसे तेरा गुरु जी। बिन मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो, बिन मांगे सब कुछ दिए जा रहे हो। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी।
सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।
स्वामी हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा हे कानन चतुरानन पंचानन राजे स्वामी पंचानन राजे हंसानन गरुणासन हंसानन गरुणासन विश्वाहन साजे ओम जय शिव ओंकारा दो भुज चार चतुर भुज दस भुज ते सोहे स्वामी दस भुज ते सोहे रखता त्रिभुवन जन मोहे ओम जय शिव ओंकारा अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी स्वामी मुंडमाला धारी चंदन मृग मद चंदन मृग मद सोहे भाले शशि धारी ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे स्वामी बाघंबर ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा कर्मी श्रेष्ठ कमंडलम चक्र त्रिशूल धरता स्वामी चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु महेशा जानत अविवेका स्वामी जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम से शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा स्वामी हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धाम